गोवर्धन पूजा है और बनियाओं के यहाँ कैसे होती है गोवर्धन पूजा मैं आपको दिखाऊंगी। तभी हम गोबर लेने के लिए जा रहे हैं डेयरी पे। किसमें लेके आओगे, हाथों में? नहीं, बाल्टी रखी है, पन्नी रखी है, उसमें लेके जाएंगे। तो ये अपने आप सारी देखते ही पॉटी देने लग जाएंगी। अजी हाँ, हाँ देखो ये पॉटी करेगी, अभी खड़ी हो गई है देने के लिए। मुझे पता है आज गोवर्धन है। हम लोग गोवर्धन पूजा कर रहे हैं, स्टार्ट पूजा कर रहे थे। झूठे मुंह कौन आता है, झूठे मुंह कौन आता है, झूठे मुंह तुम्हारा है। और ये कूड़े खिला के और फूल डाल दो। हेलो भाई, गोवर्धन आज के तो उसमें कहानी है, हम जी के कहते कैसा लगा मेरा मजाक? प्रसाद ले लो, आ जाओ। क्या ना, प्रसाद ले लो, आ जाओ। अरे नंबर मत लिखो, प्रसाद खा लो। प्रसाद खाएंगे पहले। ये लो, ये प्रसाद में क्या क्या है? ये प्रसाद में गुलगुले हैं, खीर, इसका प्रसाद दिया जाता है। गुलगुले फूलों को ही बोला करते हैं। देखो दादी क्या दे रही है, बाद में खा लेना चाहे आप। दादी प्रसाद दे रही है, पैसे भी दे रही है। क्या ना हो चाहिए? दोनों हाथ से लो। क्या ना, एक हाथ, अच्छा एक ले लो, एक बाद में खा लेना। अच्छा लो, ठीक है। गोवर्धन की पूजा की है हमने और ये गोवर्धन महाराज बनाए हैं। डेयरी पर से जाके गाय का गोबर लेकर आए हैं, उसी से इनको बनाया जाता है। ये गोवर्धन महाराज बनाए हैं और ये साइड में जो है वो उनकी गाय बनाई है, और ऊपर की तरफ चंद्रमा और दूसरे साइड में सूरज वो बनाए हैं। दिया जलाया है, जल लिया है आरती के लिए, टीका करने के लिए, हल्दी और प्रसाद में इनके पूड़े यानी कि गुलगुले का भोग लगाया। आज के दिन विश्वकर्मा डे भी माना जाता है, तो उस चीज़ के लिए औजार और बुक्स वगैरह ये रखी जाती हैं और इनकी भी पूजा की जाती है। तो ये सारा कुछ रखने के बाद हमने विधि से पूरी पूजा करी है और अच्छी तरीके से गोवर्धन महाराज बनाए हैं। प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे परिवार को सुख समृद्धि प्रदान करेंगे और शांति प्रदान करेंगे।